गुड मॉर्निंग टू थर्ड क्लास। आज आपकी हिंदी की क्लास है, सो ओपन योर हिंदी रीडर बुक। निरंजना, यस बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने सेकंड चैप्टर करा था, मेंढक का साहस। इस चैप्टर में क्या था, एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ। इस चैप्टर में क्या था, एक छोटा मेंढक है, मतलब इस चैप्टर में क्या है, दादाजी विमल और रागिनी को क्या बता रहे हैं, एक स्टोरी सुना रहे हैं। इस स्टोरी में क्या है, बहुत सारे मेंढक हैं और ये मतलब क्या करते हैं, प्रतियोगिता रखते हैं। जो इस ये खम्बा क्या है, धातु का खम्बा है, और ये क्या है, इसकी सतह कैसी है, बहुत ही ज़्यादा चिकनी है। जो इस खम्बे पर सबसे ऊपर जाएगा वो जीत जाएगा, ठीक है। तो ये प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, तो सभी क्या होते हैं, सब फिसल के नीचे गिर जाते हैं, बट एक छोटा सा मेंढक होता है। ये एक छोटा सा मेंढक है जो क्या है, अपने जोश के कारण, बार बार कोशिश करने के कारण क्या होता है, सबसे ऊपर चढ़ जाता है और जीत जाता है, ठीक है। ये आपकी चैप्टर जो सेकेंड है उसका पूरा समरी है। हमने इसके क्या कर लिए थे, हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे, थर्ड और फोर्थ भी कर लिया था हमने इसका टिक द करेक्ट भी कर लिया था, ठीक है। आज हम इसके करेंगे ग्रामर पोर्शन करेंगे, आज हम व्याकरण का करेंगे। सो ओपन योर पेज नंबर 17। यस, हम सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे। आज की डेट है 18th of June 2021, और आज कौन सा डे है, आज शुक्रवार है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जैसे एक शब्द के जब बहुत सारे वर्ड होते हैं, और जैसे समय, समय को हम क्या बोल सकते हैं, और वक्त भी बोल सकते हैं और काल भी बोल सकते हैं, ठीक है। समय को हम क्या बोल सकते हैं, वक्त और काल भी बोल सकते हैं। राजा को हम क्या बोल सकते हैं, भूप नृप भूपाल। आश्चर्य को हम क्या बोल सकते हैं, हैरानी अचंबा। सरोवर को हम और क्या बोल सकते हैं, तालाब जलाशय। हताश को क्या बोल सकते हैं, हताश मतलब जब हम निराश हो जाते हैं, हताश को क्या बोल सकते हैं, निराश आशाहीन, ठीक है। जब हम हर चीज़ से अपनी छोड़ देते हैं कि अब हम कर ही नहीं सकते, जब हम अपनी आशा छोड़ देते हैं, ठीक है, निराश हो जाते हैं। हिस्सा को और हम क्या बोल सकते हैं, भाग और अंश, ठीक है। ये सारा काम आप किस में करेंगे, अपनी हिंदी जी की कॉपी में करेंगे, ठीक है। अभी देखिए सेकंड में क्या लिखा है, रंगीन शब्दों के विलोम लिखिए। इसमें देखिए, धातु का एक पुराना खम्बा था। इसमें रंगीन शब्द कौन से, ये जो रेड कलर से लिखे गए हैं, जो ठीक है, ये जो शब्द दिए हैं रेड कलर जैसे, यहाँ पर पुराना, तो इसका विलोम लिखना, मतलब उल्टा लिखना है इसका। पुराना का विलोम क्या होगा, नया। समझ में आ रहा है कैसे करना है, पुराना का विलोम नया, यहाँ पर हम नया लिखेंगे। ख है, कोई भी जीत नहीं सकेगा। जीत का विलोम क्या होगा, जीत का हार, ठीक है। ग, तुमने यह असंभव काम कैसे कर दिखाया। असंभव मीन्स जो काम हो नहीं सकता, तो असंभव का क्या होगा, संभव, आगे से अ हटा देंगे बस, तो ये संभव हो जाएगा, ठीक है। ग है, उसकी सतह बिल्कुल चिकनी थी। चिकनी मीन्स क्या होती है, स्लिपरी, जो फिसल जाती है, चिकनी, तो चिकनी का क्या होगा, खुरदरा, ठीक है, खुरदरा। उत्साहित मेंढक भी हताश हो गए। तो उत्साहित मींस क्या होता है, कि जब हम में जोश भरा होता है कि हाँ हम ये काम को करके दिखाएंगे, तो उत्साहित का क्या हो जाएगा उल्टा, निरुत्साहित। देखो नी र पे ऊ लगा पड़ा, ये र पे ऊ की मात्रा, ठीक है, नीरु आदत साहित, ठीक है। ये आप कैसे करेंगे ग्रामर की कॉपी में, आपको पूरा नहीं लिखेंगे, आप पूरा नहीं लिखेंगे, जैसे पुराना लिखेंगे और नया, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, जैसे पुराना लिख दिया ये वाला, फिर यहाँ नया, जीत का यहाँ पर हार, जो ये पेन ये वाला है ना, इसको लिखेंगे बस ऐसे करके, और फिर ये पूरी लाइन नहीं लिखेंगे, बस यही लिखेंगे, पुराना का नया, जीत का हार, असंभव संभव, चिकनी खुरदरा, उत्साहित निरुत्साहित, ठीक है। यह है आपका सही मिलान कीजिए, सही मिलान कीजिए, मतलब ये चैप्टर के अकॉर्डिंग दिया गया है, चैप्टर के अनुसार दिया गया है। ऊंचा, ऊंचा क्या था, खम्बा, तो ऊंचा खम्बा। चिकनी,
चिकनी क्या थी खम्भे की? सतह, तो इसको हम सतह से मिला देंगे। छोटा क्या था? मेढक, एक दिन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब ये फोर देखिए। अच्छा, टर्न योर पेज, पेज नंबर 18। अब हम फोर देखेंगे। शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। इसमें आपको ये जो शब्द दे रखे हैं आगे पीछे दे रखे हैं, तो आपको इनको बिल्कुल एक लाइन में लिखना है, बिल्कुल सीधा जो हमारे वाक्य बनते हैं वो आपको बिल्कुल सही वाक्य में लिखना है। इसका क्या दिया? तालाब रहने में जाएगा दिया। इसका कोई बेटा मीनिंग नहीं बनना, कोई इसका मतलब आपका वाक्य पूर्ण वाक्य नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम इसको पूर्ण वाक्य कैसे बनाएंगे? इनको हम क्रम से लगाएंगे। तो क्या होगा? तालाब में रहने दिया जाएगा। ठीक है, इसका ख है आई कक्षा में वह प्रथम। ये भी आगे पीछे दिए हैं शब्द, इनको हम बिल्कुल क्रम से लगा के बिल्कुल पूर्ण वाक्य बनाएंगे। क्या होगा? वह कक्षा में प्रथम आई। ठीक है, अब इसका ये देखिए प्रश्न 5 देखिए। चित्रों को देखकर नाम वाले संज्ञा शब्द लिखिए और वाक्य पढ़िए। वाक्य पढ़ने, ये संज्ञा शब्द दे रखे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर संज्ञा शब्द लिखने, कौन कौन से संज्ञा होते हैं, फिर ये वाक्य पढ़ना। आपको पता है ना संज्ञा क्या होता है? संज्ञा नाम वाले शब्दों को बोलते हैं। संज्ञा में क्या होता है? हमेशा नाम आता है, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का हो, चाहे स्थान का हो, चाहे किसी जानवर का हो, पक्षी का हो, या फिर भाव हो हमारा। ठीक है, तो वो क्या होता है? नाम आता है इसमें हमेशा। अभी देखिए किसकी पिक्चर बनी हुई है? तालाब में बहुत से, ये क्या है? मेढक। ये नाम है दोनों, है ना, तालाब और मेढक। तो ये संज्ञा शब्द क्या है? तालाब, मेढक। तो इसका क्या वाक्य बनेगा पूरा का पूरा? तालाब में बहुत से मेढक रहते थे। समझ में आ रहा है? इसका ख देखिए, ये क्या है? राजा ने, ये क्या है? खंबा लगवाया था। तो संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा? राजा और क्या? खंबा। फिर कैसे पढ़ेंगे हम इसको? राजा ने खंबा लगवाया था। इस कहानी में दो बच्चे कौन से थे? इस पाठ में दो बच्चे कौन से थे? रागिनी और विमल। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? रागिनी और विमल दोनों हंसे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? रागिनी और विमल। ठीक है, अभी देखिए आप कैसे करेंगे। आप फर्स्ट एंड सेकंड ये हिंदी जी की कॉपी में करेंगे। ठीक है, सही मिलान कीजिए। ये आपको बुक में तो करना ही है, बुक में तो आप करेंगे ही। फर्स्ट और सेकंड, जो पहला और दूसरा है, आप ये कॉपी में करेंगे, हिंदी जी की कॉपी और बुक में करेंगे। ज़रूर बुक में, क्योंकि बेटा मैं सभी की बुक और कॉपीज़ यहाँ पर अब मंगवाने वाली हूँ, चेक करने के लिए किस बच्चे ने कितना काम करा है, याद रखिएगा बिल्कुल। और ये जो आपका तीसरा है, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है, ये तीनों के तीनों आपको बुक और होमवर्क कॉपी में करने हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है बच्चों, फर्स्ट और सेकंड आपको हिंदी जी की कॉपी और बुक में करना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये भी आपको बुक में करना है, और हॉलीडे होमवर्क, सॉरी हॉलीडे होमवर्क नहीं, जो होमवर्क कॉपी है आपकी उसमें करना है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर।